अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज मैं आपके साथ एक खास बात करना चाहूंगा। आप सोच रहे हो कि मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, ये किस लिए है? क्या तालीम में मोबाइल फोन की कोई अहमियत है? तो ये खास बात के लिए है। मैं चाहता हूं और आप भी चाहते जरूर होंगे कि जो भी आपकी किताब है, जो भी उन पर एक्सरसाइजेस है, जो भी उन पर कंटेंट है, उसे आसानी के साथ बगैर टीचर के सॉल्व कैसे किया जाए। इसके लिए काश कोई प्लेटफॉर्म होता जहां एक ही जगह हमें तमाम चीजें मिलती। शायद आप ये सोचते होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। मैं कहता हूं कि हाँ, ऐसा हो चुका है। 2018 में ही हिंदुस्तान की हुकूमत ने NCERT की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ नॉलेज शेयरिंग। हाँ, सही सुना आपने, डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ नॉलेज शेयरिंग, यानी डिजिटल मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए एक कदम उठाया गया कि जिसके जरिए तालीम को दूर दूर तक पहुंचाया जाए। तो इसका नाम पड़ गया किलपड़ वर्ड में दीक्षा। हाँ जी हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आज की डेट में तकरीबन 5 अरब और 12 करोड़ यूजर्स है। कोया हिंदुस्तान की आबादी से बहुत ज्यादा तमाम दुनिया के लोग इस पर जो कंटेंट है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, इससे सीखते हैं। तो है ना बढ़िया प्लेटफॉर्म। इस तक रसाई कैसे आपको मुमकिन हो, इस पर क्या कुछ है, इस पर आज हम बात करेंगे। दरअसल ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां अव्वल से लेकर दसवीं तक जो आपकी तमाम किताबें हैं, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, या इलाकाई जो भी जुबानी है, या बाकी रियासतों में जो भी, इस पर तमाम बोर्ड की किताबें हैं। पहली बात, इस पर 365 कोर्सेज है जो भी तमाम रियासतों से, पूरे मुल्क से मैं कहूं कि बेहतरीन उस्ताद है, उन्होंने इस पर कंटेंट डाला है। इस कंटेंट को पहले कंट्रीब्यूट किया गया, फिर रिवाइवर ने उस पर बहुत ज्यादा काम किया, इसे काट छांट की, अच्छे अच्छे कंटेंट को रहने दिया, फिर इसके बाद क्यूरेशन की, यानी आपकी किताब पर मौजूद जो QR कोड है उसके साथ अलाइन किया, तो उसके बाद आपके सामने रखा, यानी ये परखा हुआ चीज है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जरूरत की हर चीज आएगी। अब आप सोचते होंगे हम कल कितनी देर तक इसका इंतजार करते रहेंगे, तो क्यों ना हम मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं, कैसे देखते हैं कि कैसे ये इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे ये काम करेगा। ये सब बातें हम करते रहेंगे। मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूं और सब कुछ आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाना है, तो वहां प्ले स्टोर आपको ओपन करना है। जी हाँ, जो ही आप प्ले स्टोर वहां ओपन करेंगे, देखिए हमने प्ले स्टोर ओपन किया, यहां आपको ऊपर लिखना है दीक्षा, दीक्षा ऐप। देखिए मेरी इस फोन में दीक्षा ऐप आई, तो हम इसे पहले क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब ये इंस्टॉल हो रही है, अभी भी हो रही है, क्योंकि जो ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे उसके फौरन बाद हमने क्या करना है, इसे ओपन करना है। तो ये भी इंस्टॉल हो रही है, मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूं, तो अब मैंने ओपन किया, जैसे आप ही देखते हैं स्क्रीन पर। तो दीक्षा अब हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब देखिए, अब ओपन पर हम क्लिक करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या इंटरफेस आता है। अभी ओपन हो चुकी है, हम यहां वेलकम टू दीक्षा, चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, तो यहां इंग्लिश हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो फिर यहां वेलकम टू दीक्षा, डिस्कवर कंटेंट एज ए, आप टीचर हो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट हो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप HT और ऑफिशियल कुछ भी हो इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरेंट हो, यानी सभी के लिए इसके दरवाजे खुले हैं। चलो आप स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक किया, फिर यहां दिखाते हैं स्कैन QR कोड। ये क्या बात है, आपकी किताब पर हर लेसन से पहले, हर एक्सरसाइज से पहले एक QR कोड दिया गया है, आप आज देखिए। तो यहां स्कैन पर क्लिक करना है, उस QR कोड को स्कैन करना है, खुद ब खुद वो वेबसाइट खुलेगी जिस लेसन के बारे में, जिस एक्सरसाइज के बारे में आपने वो किया है। अगर अभी तक आपके पास वो नहीं, तो फिर आप दूसरा काम कीजिए। अगर आपके पास किताब नहीं, आप सिलेक्ट बोर्ड कीजिए, यहाँ ऑप्शन है, तो यहाँ तमाम जो बोर्ड है हिंदुस्तान में उनके नाम दिए गए हैं। आप यहाँ अगर आप कश्मीर से हैं तो आप स्टेट J&K को पर क्लिक कीजिए और सबमिट कीजिए। तो ये काम भी हमने किया।
सबमिट हुआ। यहाँ मीडियम फिर दिखाता है, ऊपर आया स्टेट जे एंड के, अब मीडियम दिखाता है, हम इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। अब क्लास, आप जिस क्लास से हो, अव्वल से लेकर दसवीं तक जिस क्लास से भी आप ताल्लुक रखते हो, यहाँ कंटेंट पूरा का पूरा है। चलो हम यहाँ मिसाल के तौर पर नाइन्थ या टेंथ लेते हैं, चलो नाइन्थ लेते हैं। तो नाइन्थ को हमने टिक किया, आप टेंथ को भी टिक कर सकते हैं। अलेवेंथ ट्वेल्थ फर्स्ट से लेकर टेंथ तक यहाँ मटेरियल अभी मौजूद है और अलेवेंथ और ट्वेल्थ के बारे में काम हो रहा है। तो मैंने यहाँ नाइन्थ पर टिक किया, तो मैंने सबमिट किया, फिर कंटिन्यू किया, देखिए कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ देखिए आपके सामने टेक्स्ट बुक्स आई, हम देखते हैं यहाँ टेक्स्ट बुक्स है, तो ऊपर है टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर है ट्यूलिप सीरीज नाइन्थ क्लास, फिर है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, फिर है नव भारत कक्षा नाइन, ये हिंदी की किताब है, हिस्ट्री की किताब है, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, फिर मैथमेटिक्स नाइन्थ है, फिर डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स है, सोशल साइंस फर्स्ट, फिर साइंस पर नाइन्थ है, फिर जेके बोस उर्दू नाइन्थ है। तो यहाँ तमाम किताबें हैं, इतनी किताबें हैं जो जेके बोस की कश्मीर में राइज है। आप इनमें किसी पर भी क्लिक कीजिए, मानो कि मैं पहले पर इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि क्या निकलता है। इंग्लिश बुक पर मैंने क्लिक किया, यहाँ आपके सामने इंग्लिश के तमाम वो आए। देखिए आपके यही लेसन है ना, लेसन फॉर पर चैप्टर पैकिंग, फिर उसके बाद गिलवर इन लिलपुत फर्स्ट, गिलवर इन लिलपुत सेकंड, सैयद साहब कटर, शेख नूरुद्दीन वली। आप किसी एक पर भी क्लिक कीजिए, जैसे मैंने मुलाजम पर क्लिक किया, इस पर अभी कंटेंट कुछ अवेलेबल नहीं, तो मैं नो मैन और फॉरन पर क्लिक करूंगा, इस पर भी शायद कंटेंट नहीं है। गिलवर इन लिलपुत पर करता हूं, इस पर भी कंटेंट नहीं है, इस वक्त शायद कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। चलो हम टेंथ की किताब पर देखते हैं, हाँ टेंथ की इंग्लिश में देखते हैं। तो यहां देखिए यहां कंटेंट आ गया, जैसे हमारे पास फुटप्रिंट विदाउट फीट है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फुटप्रिंट विदाउट फीट पर बारह कंटेंट मिलते हैं। आप कोई किसी एक पर भी यहाँ क्लिक कीजिए, जैसे नोटिस राइटिंग है, हमने क्लिक किया, यहाँ वीडियो खुलेगा, देखिए वीडियो खुल गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आया यहाँ, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट। तो हम इसे फिलहाल बंद करते हैं, इस वीडियो को यहाँ हम किसी और कंटेंट पर देखेंगे। तो नीचे हम देखेंगे, जैसे हमारे पास इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी शायद है, इस पर देखिए कंटेंट कौन कौन से, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, फिर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चलो राइज ऑफ नेशनलिज्म पर क्लिक करते हैं। अनएबल टू लोड कंटेंट, इसमें कुछ इस वक्त प्रॉब्लम है नेट की, तो कुछ और देखते हैं। देखिए आ गया सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास टेंथ, प्रेजेंटेशन बाय मुश्ताक अहमद, वेरनाग अनंतनाग। तो यहाँ लेसन शुरू हुआ। इस तरह जिस किताब पर भी आप क्लिक करेंगे, आपका मैथ्स हो मैथ्स पर भी होगा, आपका साइंस हो जो भी होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया सॉल्व पेपर ऑफ क्लास टेंथ मैथ्स, देखिए ओपन हो गया। तो स्टूडेंट्स है ना ये कमाल की चीज, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी तमाम किताबें दस्तियाब है। तो जब आप इस पर अमल करेंगे, बार बार देखेंगे, आपके गाइडेंस के लिए आपको कतन इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर तमाम चीजें दस्तियाब है, आप सिर्फ यहाँ जाइए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इससे इस्तेफादा कीजिए। जम्मू कश्मीर के बेहतरीन असातिज़ा ने ये कंटेंट, आपने डिजिटल कंटेंट, इस पर वर्कशॉप हुई है विद्यादान की तरफ से, दीक्षा की तरफ से, तो बहुत मेहनत की है, इससे इस्तेफादा कीजिए और अपनी आरा भी लिखिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपका आज का ये लेसन कैसा रहा जो मैंने आपके सामने साझा किया। अगर आपको बेहतरी की और भी कोई सूरत नजर आती है वो भी साझा कीजिए, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना और वीडियो को शेयर और लाइक करना। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।